आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। मध्य प्रदेश डाक परिमंडल कार्यालय में असिस्टेंट डायरेक्टर सुरेंद्र कुमार दीक्षित की डांस करते हुए मौत हो गई। इससे पहले का वीडियो अब सामने आया है, इसमें वे बस आज की रात है जिंदगी, कल हम कहाँ तुम कहाँ गाने पर डांस करते नजर आ रहे हैं। तभी वे गिर जाते हैं, इसके बाद फिर नहीं उठते। भोपाल में 13 से 17 मार्च के बीच डाक विभाग ने 34वां डाक नेशनल हॉकी टूर्नामेंट कराया था। लिंक रोड नंबर 1 स्थित मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में 17 मार्च को फाइनल खेला जाना था। इससे पहले 16 मार्च की रात में विभाग के कार्यालय परिसर में ही सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ। विभाग के अधिकारी कर्मचारी सेलिब्रेट कर रहे थे, दीक्षित भी साथियों के साथ डांस कर रहे थे। उन्हें कार्डिक अरेस्ट आया और उनका निधन हो गया। 55 साल के सुरेंद्र कुमार दीक्षित ने साथियों के साथ डांस करा और खुशी से झूमते नजर आ रहे थे। आखिरी में अचानक जमीन पर गिरे, साथियों ने उन्हें संभाला लेकिन वे उठे नहीं। 17 मार्च को कर्नाटक और तमिलनाडु स्टेट की टीम के बीच फाइनल मैच था। दीक्षित भी इस टूर्नामेंट की तैयारी में लगे थे। उनकी मौत से पूरे विभाग में मातम छा गया। इसी दिन दीक्षित का सुभाष नगर विश्राम घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। विभाग के अधिकारी कर्मचारी अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद टूर्नामेंट में पहुंचे। मंच से भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के।